Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. अरे काका नमस्ते बिरजू भैया बिरजू इतना बड़ा आदमी हो गया अरे फिर भी नहीं बदला बाकी ये बिरजू पतंग वाला जो भी कुछ है वो आप लोगों के आशीर्वाद अरे भाई पर वो अपना बर्थडे भाई की दे रहा है हां है ना इधर कहीं वो देखो हां बोला भैया झुक झुक दियो मेरे भाई झुक झुक दियो काश आज माँ और बाबूजी जिंदा होते तो कितना खुश भैया मैंने माँ और बाबूजी को तो नहीं देखा पर जब जब आशीर्वाद देने के लिए आपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा मुझे उनका ही स्पर्श महसूस हुआ देखा काका कल तक ये मेरी गोद में खेल रहा था और आज आज कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है चल जाके केक काटते भैया वो मधु और मधु के बगैर तो तुम केक काटोगे नहीं राजा हाय हैप्पी बर्थडे राजा थैंक यू भाई का जन्मदिन मुबारक हो बिजनाथ अरे वाह राजा और रानी हाँ तुम राजा मैं रानी राजा तो मैं हूँ ही पर तुम तो मधु हो हाँ ये बात तो सही है तुम मेरे साथ आओ भैया जब इसका नाम राजा है तुम्हारा नाम रानी क्यों नहीं है हाँ भाई होना तो चाहिए था ठीक है भाई आज से तुम्हें हम रानी बुलाएंगे थैंक यू भाभी चलो राजा क्या सोच रहे हो ब्रजनाथ नहीं मैं सोच रहा था कि मैं समझ गया क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें सच कहूं आपने मेरे दिल की बात कह दी ये शगुन के तौर पर ये अंगूठी इसका मतलब है आज से हम दोनों संभी हो गए आपका फोन है हाँ एक मिनट हाँ मैं ब्रजनाथ बोल रहा हूँ आप व्यक्ति में आग लग गई क्या देखिए राणा साहब सब खत्म हो गया मैं अपने आप को नीलाम ही कर दूं तो इस बर्बादी से मुक्त नहीं हो सकता मैं जानता था राणा साहब ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझसे तकाजा करने नहीं बल्कि मेरे आंसू पोंछने आएगा अगर आंसू पोंछने से तकदीर का लिखा हुआ मिट सकता तो मैं ऐसा जरूर करता मगर ऐसा होता नहीं मैं ये अंगूठी लौटाने आया हूं अब ये रिश्ता नहीं हो सकता ये क्या कर रहे हैं आप तुम चुप रहो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं आज हैसियत के तौल में ये हमारी बराबरी से गिर चुका है बर्बाद हो चुका है ये राणा साहब हमारी दोस्ती सिर्फ हैसियत की थी हाँ और जब ये हैसियत ही नहीं रही तो ये दोस्ती भी नहीं रही और जब ये दोस्ती ही नहीं रही तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता ये लो तुम्हारी अंगूठी ये लो बिरजू तुम्हारे 1 किलो गाजर बिरजू अरे डॉक्टर साहब कैसे नमस्ते 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 तुम कैसे हो बस एकदम फिट हूँ डॉक्टर साहब घर पे आइए ना एक कप चाय पी के नहीं मुझे अस्पताल जाना बिरजू एक कप अच्छा चलो आई देखा कैसी बस साफ अरे बाप रे ये क्या बदतमीजी है शर्म नहीं आती सड़क पर कचरा फेंकते हुए मैं कहता हूँ कौन है सामने आओ ऐसे कोई नहीं आएगा अरे चांदी का चमचा किसका गिरा है चांदी का चमचा ये मेरा है तेरा है आइंदा ये कचरा म्युनिसिपैलिटी के डिब्बे में डालना और अंडे का पैसा उधर से लेना ठीक है चलो डॉक्टर राजा वाकई तुम्हारे भाई का जवाब नहीं क्या हासिल दिमागी पाई है अब वो आदमी जिंदगी भर सड़क पे कचरा नहीं फेंकेगा और कभी अंडा भी नहीं खाएगा आप लोग बैठ के बातें कीजिए मैं गाजर का हलवा बना के लाता हूँ अरे अरे सुनो अरे बिरजू कमाल लड़की है अभी थोड़ी देर पहले उछल उछल के नाच रही थी अभी रो रही है एक बात बता तू राजा से बहुत प्यार करती है ना तू फिक्र मत कर तेरा पपलू मैं फिट करता हूं इसके लिए मेरे को थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा वो मैं करूंगा
आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। तूने तो मेरी जान निकाल दी माटी मिले। मेरे को तेरे से मोहब्बत हो गई है। ये चिड़िया चील कैसे हो गई? अब मैं तेरे को बताता हूँ ये चील चूंच कैसे मारती है। देख बिरजू, जवानी की बात और थी जब मेरा तुझ पर दिल आया हुआ था, लेकिन आजकल मेरी सेटिंग कहीं और चल रही है। क्या? मेरे होते हुए तेरी सेटिंग कहीं और चल रही है? इससे पहले तू अपना मुंह काला करे, मैं आज ही तेरी मांग में सिंदूर भरता हूँ। चल चल कलंकिनी, चल तू। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। क्या? बता मुझे। चल चल मेरी जान मंदिर में। आप कोई मंदिर मंदिर नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं इसका सुहाग हूँ राजा। कोई सुहाग नहीं, मुझे ये बेवा हो जाएगी, ये विधवा कमीनी भागते कुछ नहीं होगा उसे। काकी ये क्या हो गया बिरजू भैया को? पता नहीं राजा बेटा, सुबह सुबह मेरे घर आया, बोला मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो तेरी फूफी है ना जो गांवशाही है, उसने उसे घुट्टी दे दी। घुट्टी? हाँ ये है वो घुट्टी की बोतल, बिरजू भैया पूरी की पूरी घटा के उसी का नतीजा है। सोने का भस्म, लेकिन आपकी फूफी है कहाँ? फूफी, ओ फूफी। ओए पुत्तर, देख के नहीं चल सकता है? कौन हो तुम? ये है मधु। मधु? फूफी, फूफी, मधु फूफी। अरे ओ फूफी, मेरा भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये कौन सी दवा पिला दी आपने उसे? ओए केड़ी दवाई पिला दी? ओए ए बंदा है, सारी दवाई पी गया? हाँ। ओए गड़बड़ हो गई भाई, गलत दवाई दे दी मैंने। ए फड़, इसके अंदर सोने का भस्म हैगा, और 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरना। हाँ। 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरेगा ना? अरे फूफी, इसका कोई तो उतारा होगा। ओए उतारा तो है, पर जड़ी बूटी लेने वास्ते जंगल जाना पड़ेगा। अरे फूफी, तो फौरन मेरे साथ चलो। ओए तू की मेरा खसम लगता है, जब तेरे नाल मैं जंगल जावांगी। अरे हट, मैं नहीं तेरे नाल जाऊंगी। तू कैसे नहीं चलेगी? तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो जबरदस्ती उठा के लेके जाऊंगा। चल। ओए तू मेनू जबरदस्ती चुक के ले जाएगा? हां मेनू। हां तेनू। अरे मेनू, अरे छोड़ो ना, एक फूफी बोल देता हूँ। अरे फाड़ में गई तेरी फूफी, पंगा ना ले मेरे नाल। हाँ ये पंगा पंगा क्या कर दिए? सीधे तरह से जंगल जा, नहीं तो दूंगा एक रख के मोटी। ओए तेरी पैन सड्डी पैन, मेनू मोटी कहता है? तेरे प्यो का खांदी हूँ क्या? हाँ खोते। अरे तेरे प्यो का खांदी हूँ मैं? तेरे को मोटी कहता? अरे परे हट, शराबी दी औलाद, तेरे प्यो का खांदी हूँ मैं? ओए छोड़ मैंनू। अरे मैं मर जाऊँ। अरे पुप्पी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसको छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। अरे पुप्पी। ओए तू इन्हें प्यार दे नाल कहता है तो छोड़ देती हूँ इस मच्छर नू। ओए कोई मेरे नाल प्यार से बात करे तो मैं उसके लिए कुछ भी करण वास्ते तैयार हूँ। चल मुंडिया जंगल चले। चल अब होगा जंगल में मंगल। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों एक हो गए हो। ये तो होना ही था भैया, जो रिश्ता आपने बचपन में जोड़ा था उसे एक दिन मुकम्मल तो होना ही था। हाँ भैया, ये मधु है मेरे बचपन की रानी। जीती रहो बेटी। तुम नहीं जानती तुम्हारे भाइयों ने। राजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है बिरजू भैया, मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता क्यों तोड़ा गया था। इसलिए हमने कोर्ट में जाके शादी करने का फैसला कर लिया भैया। नहीं राजा, नहीं, ऐसा करना गलत होगा। मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास, ये टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं जाऊंगा। मारे कानों को तो विश्वास ही नहीं होवे कि सुख घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, सगाई की तैयारी करनी है और रिश्तेदारों को नेता भी जोड़ो है और सैकड़ों काम है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी कर ड्राइवर भैया, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल।
अच्छा तो ये तेरा भाई है? हाँ राणा साहब, ये अपना राजा है। अपने दोस्त को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तेरी औकात नहीं है कि तू इस घर की दहलीज पर कदम रख सके। राणा साहब, राणा साहब आप नहीं जानते, राजा और मधु एक दूसरे से प्यार करते हैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बहन उस चौखट पर अपना दिल छोड़ आई है जहां राणा महेंद्र प्रताप अपने जूते तक रखना पसंद नहीं करता। राणा साहब ये सच है कि हम गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन प्यार करने वाले कभी ऊंच नीच नहीं देखा करते। और सच तो यह है कि शादी ब्याह के रिश्ते तो स्वर्ग में तय होते हैं ना? स्वर्ग में नहीं, ये रिश्ते यहीं बनते हैं। तूने जानबूझकर मेरी बहन को अपने भाई के प्यार के जाल में फंसाया है ताकि तू मुझसे अपना पिछला हिसाब पूरा कर सके। नहीं भैया, ये सब गलत है। यही सच है, इनके गंदे दिमाग की छिछोरी साजिश है ये। राणा साहब, मैंने सुना था इस दुनिया में कुछ घटिया किस्म के लोग हैं, लेकिन आप तो घटिया से भी घटिया निकले। मैं तेरी बदतमीजी का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने का शौक नहीं है मुझे। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, कल अभिषेक के साथ तुम्हारी सगाई है, और अगर इस शुभ कार्य में किसी ने बाधा डालने की कोशिश की तो इस घर से डोली हो या अर्थी निकलेगी बड़ी शान से। मैं नहीं छोड़ूंगा,
अरे जा जा, तू क्या बिगाड़ लेगा हमारा पागल। तो तू भी इस पागल की चुनौती सुन रहा। अगर मैंने तेरी बहन की शादी अपने भाई से न कराई तो ये बिरजू एक नहीं दो बाप का। तेरे भाई की शादी मेरी बहन से हो, इससे पहले मैं तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे टुकड़े करना तो दूर की बात है राणा, अगर तूने मेरे भाई की तरफ उंगली भी उठाई ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भर्ती होगी। May I come in, please? अरे शैतान का नाम लियो, शैतान टपक पड़ियो। गुड मॉर्निंग। हराम सादे, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, निकल यहां से। लगता है दिवाली के दिन पैदा हुआ था, बोलने से पहले ही बम की तरह मुंह फट रहा है। हराम सादे। मारने का नहीं, मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं, मेरे भाई राजा की शादी का कार्ड देने आया हूँ। नमस्ते। तू देखने में तो पागल लगता है मगर है बड़ा समझदार। अच्छा हुआ तूने अपने भाई की शादी कहीं और तय कर दी। ऐ सुगीराम, इनके लिए बादाम का शरबत ले आना, केसर डाल के। हाँ हाँ, केसर डाल के। अच्छा ये बता के लड़की है कहाँ? यहाँ की है। अच्छा, और आपके आशीर्वाद से बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। अच्छा, आप ही पढ़िए ना। क्या बात है, बिरजू पतंग वाला आपको सहर्ष आमंत्रित करते हैं अपने छोटे भाई राजा एवं मधु श्री महेंद्र प्रताप गढ़वाल की बहन। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके हमारे सामने आने की? रीति अनुसार पहला कार्ड तो समधी को ही देना चाहिए ना। कमीने, हमसे रिश्ता जोड़ता है, हमसे रिश्ता जोड़ता है। तू बचकर नहीं जाएगा यहां से, बचकर नहीं जाएगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा है, अच्छा है, मेरे को गोली मार दे, मेरा सब काम आसान हो जाएगा। मार दी गोली। अबे मार। अबे हाथी के नाखून, गोली खाने से तेरा कौन सा काम आसान हो जाएगा? गधे के खोर, तू समझता नहीं है, मुझे गोली मारेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो इन दोनों को फांसी हो जाएगी, मधु और राजा का रास्ता साफ हो जाएगा ना। मार दी गोली, मार दी गोली। समझने की कोशिश करिए सरकार, ये सच कह रही हो, शादी का कार्ड छपा के इसने आधो काम तो कर ही चुका है और बच्चों को जो काम आपकी फांसी के बाद कर लेगा। अच्छा हुआ जो आपने इसको गोली दिवारी। इन सब में तू अकलमंद है, बाकी इन सब लोगों की अकल बंद है। केले के छिलके ये मिर्जू भैया, इधर देख, इन सब की नस्ल का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है ना, शक्ल से इंसान दिखता है। मैं फोकट में एक मशवरा देता हूं, मान ले मधु का ख्याल दिल से निकाल दे, नहीं तो वो हाल करूंगा तेरा, ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना ही इनमें भर्ती होगी। विश्वाजी, मी गोइंग, गोइंग मी। राणा साहब, अपनी अगली मुलाकात होगी 25 अक्टूबर हनुमान गली पास्ता लेन, जय हिंद। मधु, मधु, मधु को आराम साधे, ये पागलपन का ढोंग रचाकर तूने अपने होने वाली भाभी के सिर पर हाथ डाला। मधु, मैंने क्या कुछ नहीं, वो तो खिड़की से भाग गया, मैंने बचाया। सारे झूठ बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। चल कुत्ते, चल जामा करता है। मुझे मत, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम सारे पागल बनकर नाटक करता है। मुझे मत मारो, मैंने कुछ जलील इंसान, हमारी बहन की इज्जत पे हाथ डालता है, तेरे हाथ तोड़ूंगा कमीने, मार डालूंगा। मार डालोगे कैसे?
दुश्मन का ढोंग करता है और रैम की भीख मांगता है, है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। भाभी हट जाओ। भाई साहब पागल खाने में फोन कीजिए, आकर ले जाए इसे। डॉक्टर सिन्हा, मैं राणा महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पागल आपे से बाहर हो गया है, आप फौरन आइए और उसे ले जाइए। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। कुछ नहीं होगा भैया आपको, मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा। राजा मैंने मधु की इज्जत पे हाथ नहीं डाला था। मैं जानता हूं भैया, आप ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। उन कमीनों ने आप पर ये इल्जाम लगाया, पर अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा भैया, सब ठीक हो जाएगा। मधु, 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 अरे बाप का घर है जो गुस्सा चला रहा है, निकल यहाँ से, निकल। मेरे को मधु से कहा, मेरा भाई राजा, मधु, 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 मधु राजा को बचा ले, मेरे राजा को बचा ले, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बचा लो मधु, उसको बचा लो, उसको बचा लो मधु। ओ, अब समझी तू यहाँ किस लिए आया है? ये जरूरत तुझे यहाँ खींच लाई है ना? ले, ये इतने रुपए हैं जिससे तू अपने भाई की जिंदगी खरीद सकता है, ले इसे। मैं ये पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। राजा तुझे देखना चाहता है, उसके ऑटो में तेरा नाम है मधु, वो तुझे चाहता है, तू उसकी जिंदगी है। चल चल, वक्त बहुत कम है मधु, चल चल। छोड़ मेरा हाथ, उस आदमी की जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है जिसने जिसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है, चला जा यहाँ से, चला जा। ए पागल, सुना नहीं मेरी बहन ने क्या कहा? चल दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू उसकी आखिरी आस थी, तूने ही मुंह फेर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? मेरा राजा मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा राजा मर जाएगा, मेरा राजा मर जाएगा, मेरा भाई। नाम तक नहीं ले सकेगी। भगवान ने मर्द को इतनी ताकत नहीं दी कि वो औरत का इरादा तोड़ सके, और आज ये सच्चाई तुम भी देख लोगे। क्या समान चलाती है तुम? चाहे तू जान ले ले,
टुकड़े हजार करके उसका ही नाम लेंगे, मेरे लहू के कतरे। जिन रगों में उस हरामजादे की मोहब्बत खून बनकर दौड़ रही है, आज उस जिस्म को ही जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा। लड़की भी है, अग्नि भी है, मुराद 25 अक्टूबर भी है। लगा फेरे, फेरे लगा। गठबंधन का हक तो बड़े भाई का होता है। यही सजा है, कोई नहीं बचाएगा तुझे। नहीं राणा साहब, इसकी मौत हमारा मकसद नहीं, इसका प्रायश्चित ही हमारी जीत है। देख, तेरे इतने जुल्म करने के बाद भी इसने तुझे क्षमा कर दिया। चलो उठ, इससे माफी मांग। मुझे माफ कर दो बिरजू भैया। और ब्रजनाथ, मैं भी तेरा गुनहगार हूं, मुझे भी माफ कर दे। आज मुझे यकीन हो गया कि शादी ब्याह के रिश्ते स्वर्ग में ही तय होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई भी ताकत नहीं।